लोग सोचेंगे कि मैं बायस्ड हूँ लेकिन एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट हरमन. I'm really touched with Harman's performance. जी हाँ, प्यार की भाषा सिखाने वाली बिपाशा अब खुद प्यार की भाषा बोलने लगी हैं। और दिशकियाओं की स्पेशल स्क्रीनिंग पर हरमन के साथ आकर बिपाशा ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हरमन हैज गॉट हर दिस टाइम. Well, yes, finally, इस फ्राइडे रिलीज हो रही शिल्पा शेट्टी की फर्स्ट होम प्रोडक्शन फिल्म डिशकियाओं की स्पेशल स्क्रीनिंग पर हरमन के साथ अपनी रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के बाद पहली बार साथ आई उनकी गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु. बस इस स्क्रीनिंग पर आए बाकी सभी सेलेब्स से हटकर द फोकस कम्प्लीटली शिफ्टेड टू लव बर्ड्स हरमन एंड बिपाशा. और यहाँ बिपाशा ने पहले तो हरमन की फिल्म और उनकी एक्टिंग स्किल्स की जमकर तारीफ की. बहुत गोलियां लग गई. मुझे लगता है कि दिस फ्राइडे इट्स ढिशकियाओं ढिशकियाओं ढिशकियाओं. दैट्स द वे आई वुड सी इट. बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है और एज एन एक्टर आप लोग सोचेंगे कि मैं बायस्ड हूँ लेकिन एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट हरमन. आई थिंक इट्स क्रेडिबल कि आप हाँ चले जाए चले जाए. एक देखिए एक एक्टर की तरफ से कहूँगी कि you know when you're an actor it's very difficult to move away from the profession that you love so much and to completely remold yourself and project yourself and come back with a completely fresh look which is so endearing. I'm really touched with Harman's performance. Main interval ke baad I had a little bit of tears in my eyes because it's fantastic. It's a great film, entertaining film, intelligent audience ke liye ye movie hai. सुनना जरूरी है. बहुत सारी इट्स अ ट्रिकी फिल्म. और फिर अपनी लव स्टोरी से जुड़े सवालों पर भी काफी ब्लश करते हुए बिपाशा ने दिए ये पॉजिटिव रिएक्शंस. बिपाशा आपने नहीं सोचा कि खुद भी एक रोल कर लेती इनके साथ में? अरे अभी तो है ना, जिंदगी पड़ी है ना. देखिए अभी तो आप ये वीकेंड अगर आप हमारी ये हरमन की धिशकियाँ देख लीजिए, आगे देखेंगे. थैंक यू. घायल कर रखा इन्होंने आपको? इन्होंने मुझे किया. मैं होपफुली ऑडियंस को कर दूं. कैसे हालात हैं इन दिनों इनके साथ? थैंक यू. इस बात को डिशकियाँ आ रही है, इस वक्त मेरे नर्वस हालात हैं. यहाँ तक कि अपने होठों पर आए इस बर्न मार्क के बारे में पूछे जाने पर भी बिप्स को आ गई हंसी. थैंक यू. अरे अरे बर्न हो गया, वही तो मैं बोल रही हूँ. थैंक यू. खैर अब कब और कैसे रंग लाएंगे इनके वेडिंग प्लान्स ये तो वक्त ही बताएगा. बट ऑफ कोर्स रिलीज से पहले हरमन और बिपाशा ने एक साथ आकर हरमन की फिल्म धिशकियाओं को पब्लिसिटी तो दिला ही दी. मेरे किसी फ्रेंड की एक और फिल्म आ रही है तो मैं हमेशा उन फिल्मों की बातें करती हूँ, तो नेचुरली हरमन की फिल्म की बात करूंगी. इस बात को डिशकियाँ आ रही है, इस वक्त मेरे नर्वस हालात हैं. सुरुचि महातुलकर, ZING, मुंबई.